और सबसे पहले मिड कैप आईटी में माइंडट्री का नाम सामने आएगा क्योंकि नतीजे आ गए हैं। मुनाफा हम देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ घटा है, 13% की गिरावट देखने को मिली है, यह आया करीब 158 करोड़ के आसपास। लेकिन हमारा अनुमान भी यही था कि 158 करोड़ के करीब ही वो मुनाफे का आंकड़ा देखने को मिलेगा, तो मुनाफा इन लाइन है। रेवेन्यू की बात करते हैं और रेवेन्यू में हम देख रहे हैं बढ़त है, 12% का उछाल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रुपी रेवेन्यू में 1639 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया, लेकिन डॉलर आय पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ इजाफा जरूर हुआ है। तिमाही दर तिमाही इसमें तकरीबन जो आंकड़े आए वो करीब 24 करोड़ डॉलर के आसपास दिखाई दिए है, तो इम्प्रूवमेंट है, 6% का उछाल देखने को मिला है। दूसरी तरफ अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो ये कुछ नरम होता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 11.5% पर मार्जिन आया है। हमारा अनुमान था कि 12% के आसपास सिमटेगा मार्जिन तो बेहतर रहेगा। तो नंबर्स आप कह सकते हैं मुनाफे और खासकर डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर ठीक कब इन लाइन, और डॉलर रेवेन्यू में हल्की सी बीट देखने को मिली है। दूसरी तरफ जेके टायर तो अच्छे नंबर्स माने जाएंगे क्योंकि पहले लॉस था, साल दर साल अगर कंपनी की तिमाही देखें ये प्रॉफिट में आई है, 64 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, और कंसोलिडेटेड आय में भी अगर आप ध्यान दें तो 26% का उछाल देखने को मिला है, ये आंकड़ा खड़ा हुआ है करीब 2440 करोड़। तो माइंडट्री चले ना चले जेके टायर चलेगा, और एक स्टॉक जो आज चलेगा वो आपको बताते हैं, वो है महिंद्रा CIE। और यहाँ पे जो नतीजे आ रहे हैं, रेवेन्यू करीब 650 करोड़ रुपए पे 504 के मुकाबले, मुनाफा 44 करोड़ पे 18 करोड़ के मुकाबले यानी दूने से भी अधिक, और एबिटा लेवल पे देखिए ऑपरेटिंग लेवल पे वहाँ पे मुनाफा डबल हुआ है, 42 वाला 81 यानी प्रॉफिट बढ़ा है, शानदार है। लेकिन प्रॉफिट अच्छा क्यों है, क्योंकि वो अपने कोर कारोबार से बढ़ा है, ये बड़ी बात है। और मार्जिन देखिए 8.5 वाला 12.5, तो ये सेक्टर ऐसे भी बहुत अच्छे मूड में है इस समय, और महिंद्रा CIE पे आप तेजी की उम्मीद करेंगे आज। लेकिन आरकॉम इसके नतीजे कैसे पढ़े जाए, इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की, कुछ कारोबार अलग किए, डील के प्रोसेस में चल रहे हैं, इस बार की अकाउंटिंग में कौन सा बिजनेस है नहीं है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो डिटेल हम आपके लिए लाएंगे। लेकिन नेट लॉस आया है 233 करोड़ का, इसके सामने पहले 1222 करोड़ का लॉस था, तो वो काफ़ी कम हो गया है। आमदनी 1367 करोड़ के मुकाबले 1000 करोड़ पे घट के आ गई है, जो जाहिर है कि रीस्ट्रक्चरिंग का असर है, लेकिन इस नतीजे को थोड़ा सा अंदर डीप करने की जरूरत होगी, तो उस पर आगे बात करेंगे। जी हाँ, और वैसे भी इस स्टॉक में हमने देखा लगातार बिकवाली का ही दबाव देखने को मिला है। दूसरी तरफ आप जैन इरिगेशन, शक्ति पंप, रोटो पंप जैसे स्टॉक्स पर भी अपने नजर में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो खबर है वो अच्छी है। महाराष्ट्र में दरअसल 3830 करोड़ की सिंचाई परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये इनफैक्ट अटका हुआ मामला था, तो वहां पर एक थम्स अप आया है कि हरी झंडी दिखा दी गई है, 83 छोटे 8 बड़े और मझौले प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, ये अपडेट निकल कर आया कल की कैबिनेट की बैठक में, तो ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे सर। और एविएशन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, फाइनली जून में हवाई यात्रियों की संख्या 18.5% बढ़ गई है, जून में 1,13,00,000 लोगों ने हवाई यात्रा की। ये खबर इसलिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि मई के महीने में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और अब उससे रिकवर हो रहे हैं, अभी भी 20 पे नहीं पहुंचे जो इस साल की शुरुआत में थे, वो आंकड़ा आता तो शायद और अच्छा होता, लेकिन चलिए कम से कम कुछ संख्या तो बढ़ी, लेकिन 20 के काफी करीब जा रहे हैं, ये आंकड़ा जरूर आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही वायदे बाजार में बड़े बदलाव होंगे और खासकर अक्टूबर की सीरीज से दो नाम तो पक्का से बाहर हो रहे हैं, वो है आंध्रा बैंक और बलरामपुर चीनी, इन दोनों में शायद आज से पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए अक्टूबर सीरीज से इन दोनों स्टॉक्स में वायदे ट्रेड का मौका नहीं मिलेगा।